छत्तीसगढ़ के बस्तर में टीटी की गुंडागर्दी का एक मामला सामने आया। यहाँ एक टीटी ने चलती ट्रेन में एक परिवार को गुंडों से पिटवा दिया, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि परिवार ने टीटी को रिश्वत देने से मना कर दिया था। टीटी समेत 6 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, लेकिन फिलहाल गिरफ्तार किसी को नहीं किया है। टीटी के गुंडों ने मचाया गदर। ट्रेन की बोगी में बवाल मचा है। मारपीट हो रही है, शोर शराबा है। महिलाएं चीख रही हैं, वो किसी को रोक रही हैं कि भैया रहने दो, ना मारो। ये किरंदुल पैसेंजर ट्रेन की तस्वीरें हैं। इसी पैसेंजर ट्रेन से गोपाल चक्रवर्ती नाम के शख्स का पूरा परिवार दंतेवाड़ा के किरंदुल जा रहे थे। रास्ते में जगदलपुर के पास टीटी रामदेव ने इस परिवार का टिकट चेक किया और कुछ रुपयों की मांग की। टीटी से इस परिवार की बहस हो गई और फिर टीटी ने फोन करके आरापुरा स्टेशन पर कुछ गुंडे बुला लिए और फिर टीटी के गुंडों ने इस परिवार के साथ कुछ यूं मारपीट की। और सिर्फ मारपीट नहीं की बल्कि लूटपाट भी की। मारपीट के बाद गुंडे फरार हो गए। पीड़ित परिवार ने टीटी समेत 5 गुंडों के खिलाफ करंदुल थाने में FIR दर्ज करा दी है। मगर जिस तरह से चलती ट्रेन में गुंडागर्दी की इस वारदात को अंजाम दिया गया वो शर्मनाक है। S. करीमुद्दीन, बस्तर, आज तक।